माफ कीजिएगा, मुझे आपका अभी तक ये बयान समझ नहीं आया। मैं ऐसा वैसा बयान जो है ये गोलमोल देके तो उसे नुमाया करता हूँ। साहब आप इतने बड़े सियासी रहनुमा हैं, इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, आपको तो दो टोक अंदाज में बात करनी चाहिए। बात दो टोक ही करता हूँ, मगर उसको दिलचस्प बनाने के लिए जरा उसको एक मरोड़ी दे देता हूँ। मरोड़ी समझती है मरोड़ी? ये तो आप मरोड़ी नहीं, धमकी दे रहे तो बस समझो इस गल। अच्छा जैसे पर ये फरमाइए ना, ये क्या बयान है कि मुझ समेत 21 वज़ारा आजम जो आए हैं मुल्की तारीख में वो बनाए गए थे, इमरान खान पहले वजीर आजम है जो बने हैं, क्या मतलब इसका? अरे ये बिल्कुल ठीक बात है जनाब साहब, ये जो इमरान खान साहब है ये खुद बने हैं वजीर आजम, बाकी सारे बनाए गए थे। वैसे तो मैं भी खुद ही बना था, मगर मैं भी बना वाया कुएं की था। वाया कुएं की क्या मतलब? वही ना जरा गल में मरोड़ी देती है। समझ नहीं आई आपकी मरोड़ी। गुजरातों निकल के थे सीधा वजीराबाद लेना है, उधर बना सियालकोटों वाया कुएं की, लोग फिर लाहौर पहुंचे। खुल के बात करें ना जो साहब, जनेह साहब ये जो पाकिस्तान की सियासत है ना जी, इसमें बस इसम गोल तो कुछ ना फूल। ये पाकिस्तान की सियासत में या मरोड़ियां हैं या फिर घोड़ियां हैं। घोड़ियां जिसे आप हॉर्स ट्रेडिंग कह सकते हैं। तो ये अल्लाह के फजल से ये वहद ये वाला इलेक्शन हुआ है जो अवाम ने वोट दिया, जिसमें और अवाम ने लोगों को इलेक्ट किया। तो जिस इलेक्शन में आप जीते थे उसमें अवाम ने वोट नहीं दिया था? उसमें पब्लिक ने वोट दिया, इसमें अवाम ने वोट दिया। चौधरी साहब ये क्या बात हुई? वही मरोड़ी। कहते रतीक भेद मरोड़ी था। अच्छा चौधरी साहब ये स्पीकर के इलेक्शन में चौधरी परवेज अली साहब ने बहुत मरोड़ियां, सॉरी मरोड़ियां कह रहा हूं, बहुत वोट हासिल किए, 201 वोट। जनाब साहब ये मरोड़ियां आपको नहीं अच्छी लगती, आप मरोड़ी से परहेज ही करें। ये सियासतदानों को ही मरोड़ियां अच्छी लगती है। और बाकी ये जो आप परवेज साहब की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हमने तो पीटीआई वालों को पहले कह दिया था जनाब साहब कि इंशाल्लाह हम आपकी तवक्को से भी ज्यादा वोट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि पीटीआई वालों के साथ एक फार्मूला तय कर लिया था। वो क्या था? चीचो चीच मरोड़ियां, दो तोरियां दो मोरियां। साहब जोड़ तो ना मिले कोई? जोड़ क्यों नहीं मिले? दो तोरियां दो मोरियां। तोरी हिंदी का लफ्ज है। अच्छा, तोरे बिन रहा जाएगा। तोरे बिन रहा जाएगा, मोरे बिन कहा जाएगा। हाँ जी, दो तोरियां दो मोरियां। चौधरी साहब ये बच्चों वाली टॉफी की मरोड़ी और इलेक्शन की मरोड़ी, इनमें क्या फर्क है? बेटे उन्ना ही फर्क है जिन्ना एदे मुंह दा ते तेरे मुंह दी मरोड़ी दा फर्क है। जिस तरह तू एनक छोटी होने की वजह तो मुंह मरोड़ी दी है, इन्हें हेड खुला होने की वजह तो अपनी मरोड़ी खोल ली है। ये बेटे ये सियासत की बातें हैं, ये आप लोगों को नहीं पता। सियासत मरोड़ी पहली बार सुनी है? सियासत है ही मरोड़ी। पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें है ही मरोड़ियां। गौरी साहब आप अगर गौर करें, ना ही मेरा गौरी रखे अजय, गौर भी करें करो। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पाकिस्तान की तारीख 70 साल की मरोड़ियों से भरी हुई नजर आए। कोई सीधी गल करते ही नहीं, कोई सीधी गल करते ही जनाब साहब। और अल्लाह के फजल से मैंने हमेशा सीधी बात की है, ये मैंने सीधी बात कह दी है कि ये मेरे समेत सारे ही वजीर आजम जो है वो बनाए गए थे। जैसे ये तो एक हकीकत है ना कि आप लोगों को तवक्को से 16 वोट ज्यादा मिले। जनाब साहब लोगों ने बड़ा प्यार किया है, नाश्ता बड़ा लग गया नहीं साडा, 300 से ज्यादा तो मूलियों वाले पराठे बनाए हुए थे। सब वोट आपके 201 निकले, मूलियों वाले पराठे आपके 300 से ज्यादा लग गए। परौंठे आराम भी दिया है सब।
लेकिन जैसे ये भी तो हो सकता है ना कि 100 लोगों ने वोट एक एक दिया और पराठे दो दो खा लिए। सही गल है, फ्रॉड तो हो नहीं रहे। साहब जनैद साहब गंदलों का साग बनवाया था जिम कई दिन रोटियां मक्खन नाल। मैं सब नया मैं रोटी शोटी खाओ तो दो बोल फिर। हाय काश मैं एम पी ए हों। तू भी हों तो दलिया भी बनवा लेना सी। चोई साहब मेरे नाश्ते नु मरोड़ी दे दी जी। तू कि कर लेना होंगे ना ज्यादा तो तू दो चमचियां दलिया खा लेना सी। तो जनैद साहब ये प्यार मोहब्बत के सौदे हैं। ये पंजाब के अल्लाह के फजल से जो सियासतदान है एम पी ए और प्यार करते हैं हमारे साथ जी जी। तो ये 16 वोट तो भी कम हमने लिए ज्यादा। अच्छा। हाँ तो मेरे तो ख्याल में ये था कि कम अज कम 30 वोट में ज्यादा मिलने चाहिए। मेरा ख्याल है को 15-20 ऐसे भी होने जिन्हें बहुता नाश्ता कर लिया उन्होंने घुग्गी चढ़ गई। तो सीट से सौ गए उन्हें वोट ही नहीं पाया। चौरी साहब जिस तरह तुम नाश्ता कराते हो अगली बार मैनू टिकट दवानी चाहिए। तेन फैसलाबाद की डायवो की टिकट ला दी। आपका अभी तक ये बयान समझ नहीं आया। मैं जैसा हमेशा बयान जो है ये गोलमोल दे के तो उसे नुमाया करता हूँ। जैसा आप इतने बड़े सियासी रहनुमा है, इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, आपको तो दो टोक अंदाज में बात करनी चाहिए। बात दो टोक ही करता हूँ, मगर उसको दिलचस्प बनाने के लिए जरा उसको एक मरोड़ी दे देता हूँ। मरोड़ी समझते होती है मरोड़ी। ये तो आप मरोड़ी नहीं धमकी दे रहे। बस समझ जाओ इस गल। अच्छा जैसे पर ये फरमाइए ना ये क्या बयान है कि मुझ समेत 21 वज़ारा आजम जो आए हैं मुल्की तारीख में वो बनाए गए थे। इमरान खान पहले वजीर आजम है जो बने हैं, क्या मतलब इसका? अरे ये बिल्कुल ठीक बात है जनाब साहब। ये जो इमरान खान साहब है ये खुद बने हैं वजीर आजम, बाकी सारे बनाए गए थे। वैसे तो मैं भी खुद ही बना था, मगर मैं भी बना वाया कुएं की था। वाया कुएं की क्या मतलब? वो ही ना जरा गल मरोड़ी देती है। समझ नहीं आई आपकी मरोड़ी। गुजरातों निकल के थे सीधा वजीराबाद लेना है, उधर पर सियालकोटों वाया कुएं की लोग फिर लाहौर पहुंचे। खुल के बात करें ना जोय साहब। जोय साहब ये जो पाकिस्तान की सियासत है ना जी, इसमें बस इसम गोल तो कुछ ना फूल। ये पाकिस्तान की सियासत में या मरोड़ियां हैं या फिर घोड़ियां हैं। घोड़ियां जिसे आप हॉर्स ट्रेडिंग कह सकते हैं। ये अल्लाह के फजल से ये वहद ये वाला इलेक्शन हुआ है जो अवाम ने वोट दिया, जिसमें और अवाम ने लोगों को इलेक्ट किया। तो जिस इलेक्शन में आप जीते थे उसमें अवाम ने वोट नहीं दिया था? उसमें पब्लिक ने वोट दिया, इसमें अवाम ने वोट दिया। चौड़ी साहब ये क्या बात हुई? वही मरोड़ी। उनकी कहते रहे रतिक भेद मरोड़ी था। अच्छा चौड़ी साहब ये स्पीकर के इलेक्शन में चौधरी परवेज अली साहब ने बहुत मरोड़ियां, सॉरी मरोड़ियां कह रहा हूं, बहुत वोट हासिल किए, 201 वोट। जनैद साहब ये मरोड़ियां आपको नहीं अच्छी लगती, आप मरोड़ी से परहेज ही करें। ये सियासतदानों को ही मरोड़ियां अच्छी लगती है। और बाकी ये जो आप परवेज साहब की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हमने तो पीटीआई वालों को पहले कह दिया था जनैद साहब कि इंशाल्लाह हम आपकी तवक्को से भी ज्यादा वोट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि पीटीआई वालों के साथ एक फार्मूला तय कर लिया था। वो क्या था? चीचो चीच मरोड़ियां दो तोरियां दो मोरिया। साहब जोड़ देना ना मिलेगा कोई? जोड़ क्यों नहीं मिलेगा, दो तोरियां दो मोरियां। तोरी हिंदी का लफ्ज है। अच्छा। तोरे बिन रहा जाएगा, तोरे बिन रहा जाएगा, मोरे बिन कहा जाएगा। हाँ जी, दो तोरियां दो मोरियां। चौधरी साहब ये बच्चों वाली टॉफी की मरोड़ी और इलेक्शन की मरोड़ी इनमें क्या फर्क है? बेटे उन्ना ही फर्क है जिन्ना ए मुंह का तेरे मुंह की मरोड़ी का फर्क है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਐਨਕ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੈਡ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰੋੜੀ ਖੋਲ ਲਈ ਬੇਟੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਹੀ ਮਰੋੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸਮੇ ਹੈ ਹੀ ਮਰੋੜੀਆਂ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਾ ਗੌਰੀ ਰੱਖੇ ਆ ਜੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤਾਰੀਖ 70 ਸਾਲ ਕੀ ਮਰੋੜੀਓ ਸੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਸੇ ਮੈਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਥੇ ਜੈਸੇ ਯੇ ਤੋ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਤਵੱਕੋ ਸੇ 16 ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ 300 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਥੇ ਜੋ ਸਭ ਵੋਟ ਆਪਕੇ 201 ਨਿਕਲੇ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ ਆਪਕੇ 300 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਯੇ ਵੀ ਤੋ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 100 ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਵੋਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਆ ਉਹ ਪਰਾਂਠੇ ਦੋ ਦੋ ਖਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਾਡ ਤੇ ਹੋਣ ਹੀ ਡਏ ਨੇ ਸਾਜਨੇ ਸਭ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸਜੇ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਦਿਓ ਹੋਰ ਫਿਰ ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਲੀਆ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੂੰ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਦਲੀਆ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਯੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸੌਦੇ ਹੈ ਯੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਸੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ MPA ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਯੇ 16 ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮ ਹਮਨੇ ਲੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਯੇ ਥਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 30 ਵੋਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 15-20 ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਚੜ ਗਈ ਸੀਟ ਤੇ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨੀ ਪਾਏ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਡਾਇਵੋ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਵਕਫਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹੀਏਗਾ ਯੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਲੌਟ ਆਏਗਾ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਚਰਾਗ ਬੁਝਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਸਾੜ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਸਾੜ ਵੱਖਰਾ ਅਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਯਾਰ ਚਰਾਗ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਸ਼ੇਰ ਸੇ ਕਰ ਲੋ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ